हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि फ्रेट फॉरवर्डिंग होता क्या है और फ्रेट फॉरवर्डर किस तरीके से वर्क करता है, और अगर आप चाहते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग बिजनेस को करना तो किस तरीके से वर्क करता है, कौन आपके लिए कस्टमर होगा और कौन आपके लिए वेंडर होगा, किस तरीके से वर्क करता है, तो सारी चीज़ इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और साथ में एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपकी, अगर आप भी चाहते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग करके या जॉब करके आप पैसा कमाना, तो हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही कम कॉस्ट में फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स, जिसमें आप कंप्लीटली फ्रेट फॉरवर्डिंग वर्क आप सीख पाएंगे, जैसे कि कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन वर्क रहता है, कहाँ से आपको वेंडर्स मिलेंगे, कहाँ से आपको कस्टमर्स मिलेंगे और कैसे आप कमीशन ऐड कर पाएंगे, कैसे कंटेनर बुक करना है, मतलब ए टू जेड जितना भी उसका डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है सारी चीज़ हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर कवर की हुई है। और जो कोर्स का प्राइस रहेगा 2500 रुपये रहेगा, इससे ज़्यादा आपको कोई भी कॉस्टिंग आपको लगने वाली नहीं है इस कोर्स के अंदर। तो जो भी इंटरेस्टेड है डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप मेरे से कोर्स की डिटेल ले सकते हैं और अपना बिजनेस या जॉब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रेट फॉरवर्डिंग बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप हैं फ्रेट फॉरवर्डर, ठीक है, मैं फ्रेट फॉरवर्डर हूँ और आपको इसका बिजनेस करना है, ठीक है। अब आपके लिए कस्टमर कौन है और वेंडर्स कौन है वो मैं आपको बताऊँ किस तरीके से वर्क करता है और इसका काम क्या होता है, ठीक है। मान लो आप फ्रेट फॉरवर्डर हैं और ये है शिपिंग लाइन। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि फ्रेट फॉरवर्डर का वर्क क्या होता है। फ्रेट फॉरवर्डर का वर्क होता है कि कोई भी एक्सपोर्टर, ठीक है, कोई भी एक्सपोर्टर, जैसे ये एक्सपोर्टर है, ठीक है, कस्टमर, ये आपके लिए एक्सपोर्टर है और या फिर ये इंपोर्टर है, ठीक है। तो फ्रेट फॉरवर्डर के लिए जो कस्टमर होगा वो होगा या एक्सपोर्टर या इंपोर्टर, ठीक है, ये आपके लिए कस्टमर होगा। तो इसको इंडिया से कहीं पे माल भेजना है, मान लो यूएसए कंट्री के लिए भेजना है, तो यहाँ पे इसको माल भेजना है, ठीक है। माल किसमें? कंटेनर्स में। जैसे आपने देखा होगा कि वैसल जो जहाज होते हैं पानी वाले, उस पर हम लोग कंटेनर एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कार्गो एक्सपोर्ट करते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं। तो जो भी एक्सपोर्टर इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा है या फिर कोई भी इंपोर्टर बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इंडिया में, तो वो आपके लिए कस्टमर है। फ्रेट फॉरवर्डर के लिए ये कस्टमर है। और जो शिपिंग लाइंस जिसके पास होते हैं कंटेनर्स एंड कंटेनर शिप, ये होते हैं आपके लिए वेंडर्स, मतलब आपके लिए जहां से आपको सर्विस लेनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां एक तरीके से मीडिएटर की तरह काम करना है। मैं आपको एग्जांपल में समझा देता हूं। मान लो इंडिया से इस एक्सपोर्टर को, ये जो आपका कस्टमर है, इसको यहां से यहां के लिए एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, या फिर यहां से इंपोर्ट करना है, ठीक है, और या फिर यहां से एक्सपोर्ट करना है। तो ये क्या करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है, ये आपसे कांटेक्ट करेगा कि मेरे को इंडिया से यूएसए के लिए मेरे को शिपमेंट भेजनी है, मतलब कंटेनर भेजना है, ठीक है, उसमें जो भी कार्गो होगा वो भेजना है। अब आप क्या करेंगे, शिपिंग लाइन से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, आप वेंडर से कांटेक्ट करेंगे, मतलब आपको एक तरीके से मीडिएटर की तरह काम करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो शिपिंग लाइंस क्या होती है, इनकी वेबसाइट्स होती हैं या फिर इनके मैनुअल भी, इनके जो सर्विसेज होती हैं मैनुअल भी होती हैं और ऑनलाइन भी होती हैं, ठीक है। तो अलग अलग शिपिंग लाइन है, ये मैं आपको आने वाली वीडियोज में आपको कवर करूंगा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ फ्रेट फॉरवर्डर वर्क कैसे करता है। तो आपको यहाँ से कंटेनर्स के रेट लेने हैं, मान लो इनके पास कंटेनर्स होते हैं यहाँ पे हर डेस्टिनेशन पे, यहाँ पे या फिर जो अदर कंट्रीज है सब जगह, और इनके एजेंट भी होते हैं, ठीक है, शिपिंग लाइन्स के सभी कंट्रीज में एजेंट होते हैं। तो जैसे इस एक्सपोर्टर को इंडिया से यूएसए के लिए एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो आप शिपिंग लाइन से रेट लेंगे, ठीक है, यहाँ से आप रेट लेंगे। जैसे मान लो आपको कुछ भी रेट मिला, हम मान लेते हैं हमें $100 रेट मिला, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, आपको $100 रेट मिला और बाकी जो भी लोकल चार्जेस होते हैं ये, अभी एक चीज आपको समझ नहीं आएगी लेकिन सिर्फ आपको मैं सिर्फ सैंपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि जो भी चार्जेस शिपिंग लाइन्स देगी, ठीक है, उसमें आप अपना कमीशन ऐड करके आप एक्सपोर्टर को देंगे, ठीक है, मतलब कस्टमर को देंगे अपने, आपका सर्विस चार्ज जो भी आप सर्विस चार्ज आपको लगे कि हाँ कि मार्केट के हिसाब से ठीक है, तो आप जो भी चार्जेस होगा इनको ऐड करके यहाँ पे देंगे,
अब जो भी सर्विस होगी, ठीक है, अब मान लो यहाँ से कंटेनर इसने एग्री कर दिया रेट जो है आपका, ठीक है, जैसे आपने $100 शिपिंग लाइन से लिया और यहाँ पे आपने 150 में सेल कर दिया, ठीक है, तो अगर एक बार एग्री हो जाता है तो आपको क्या करना है नेक्स्ट प्रोसेस, आपको शिपिंग लाइन से कंटेनर बुक करना है, ठीक है, शिपिंग लाइन में ऑनलाइन अगर है तो ऑनलाइन कंटेनर बुक करना है, और अगर ऑफलाइन है तो आपको ऑफलाइन कंटेनर बुक करना है, इनसे कंटेनर की बुकिंग लेनी है, आफ्टर डेट इनको बुकिंग दे देनी है। इसके बाद का जो काम होगा वो एक्सपोर्टर करेगा, कंटेनर का जो बुकिंग है वो ट्रांसपोर्टर के थ्रू वो पिकअप करवाएगा, उसके बाद कंटेनर में माल भर के वो सी पोर्ट पे लेके आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा वो करेगा फ्रेट फॉरवर्डर, जैसे इसमें होता है VGM, ठीक है, SI, ये सब चीजें आपको बाद में समझ आएंगी, अभी नहीं आएगी, शिपिंग बिल सबमिशन, ठीक है, फॉर्म 13 सबमिशन, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होता है कहां पे करना पड़ता है, शिपिंग लाइन की वेबसाइट पे, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि शिपिंग लाइन में हम लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में आपके लिए कवर करूंगा। तो अभी हमें यह समझना है कि फ्रेट फॉरवर्डर वर्क कैसे करता है, फ्रेट फॉरवर्डर वर्क करता है शिपिंग लाइन से कंटेनर लेके एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर का जो पार्ट है, सीपोर्ट का पार्ट है, यहाँ पे CHA सारा वर्क जो क्लियरेंस का पार्ट होता है वो CHA देखता है, और हम लोगों को जो शिपिंग लाइन का डॉक्यूमेंटेशन होता है वो हम लोगों को इनकी वेबसाइट पे करना पड़ता है, जो भी अगर रिक्वायरमेंट होता है CHA को वो हम लोग उसको प्रोवाइड करा के देते हैं, जो CHA का खुद का काम है वो खुद करेगा, ठीक है। और एक्सपोर्टर से जो भी हमें चाहिए वो इनसे हम लोग ले लेते हैं और शिपिंग लाइन में हमें सबमिट करा देना है। तो हमारा मेनली काम होता है सिर्फ यहाँ से सर्विस लेना और यहाँ पे सर्विस देना, ठीक है। अगर शिपिंग लाइन को कोई भी रिक्वायरमेंट है तो हम एक्सपोर्टर से वो डॉक्यूमेंट्स लेंगे और शिपिंग लाइन को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो अभी का यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, आगे का पार्ट जो भी आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।